दोस्तों, 1957 में सोवियत यूनियन ने मानव इतिहास के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को सफलतापूर्वक हमारे धरती के ऑर्बिट में स्थापित किया था, जिसके बाद से ही हम इंसानों ने दूसरे ग्रहों और उनके मून्स पर भी स्पेस मिशंस भेजने शुरू कर दिए, जिसमें हमारा सबसे पसंदीदा ठिकाना था मंगल ग्रह। अब तक मंगल ग्रह पर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के द्वारा 50 से भी अधिक ऑर्बिटर मिशन, लैंडर मिशन और रोवर्स भेजे जा चुके हैं, जिनमें भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का मंगलयान भी शामिल है। ऐसे में आज हम मार्स एक्सप्लोरेशन के इतिहास पर नजर डालेंगे और मंगल ग्रह पर भेजे गए अब तक के सभी मिशनों और उनके द्वारा किए गए खोजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। स्पेस युग की शुरुआत के साथ ही इंसानों ने मंगल ग्रह पर पहुंचने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। 1957 में सोवियत यूनियन द्वारा पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को लॉन्च किए जाने के करीब 3 साल बाद उसने मंगल ग्रह पर मिशन भेजने शुरू कर दिए थे। सोवियत यूनियन ने 1960 के दशक में मार्स 1M नंबर 1, मार्स 1M नंबर 2 और मार्स 1 मिशनों के जरिए मंगल ग्रह तक पहुंचने के कई प्रयास किए, जिसे देखते हुए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी मंगल ग्रह पर अपने पहले मिशन मैरिनर 3 को लॉन्च किया। किंतु उस समय नासा और रूस द्वारा भेजा गया कोई भी मिशन मंगल ग्रह या उसके आसपास भी पहुंचने में नाकाम रहा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने दूसरे अटेम्प्ट के अंतर्गत 1964 में मैरिनर 4 मिशन को लॉन्च किया। नासा का मैरिनर 4 मिशन सफल रहा, जिसने जुलाई 1965 में मंगल ग्रह के फ्लाईबाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसके साथ ही ये मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला पहला इंसानी मिशन बन गया। मैरिनर 4 ने फ्लाईबाई के दौरान अपने टारगेट यानी कि मंगल ग्रह की 21 तस्वीरें ली और उन्हें पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों तक भेजी। मैरिनर 4 के लॉन्च के 2 दिन बाद सोवियत संघ ने जोन 2 नाम के मार्स मिशन को लॉन्च किया। सोवियत संघ का ये मिशन मंगल ग्रह के पास से गुजरा तो, लेकिन इसका रेडियो एंटीना एन वक्त में फेल हो गया, जिसकी वजह से ये मिशन धरती तक किसी प्रकार का डेटा वापस भेजने में नाकाम रहा। अपनी पहली सफलता के बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 1969 में मैरिनर 6 और मैरिनर 7 नाम के अपने 2 और फ्लाईबाई मिशनों को लॉन्च किया। नासा के अनुसार ये दोनों ही मिशन सफलतापूर्वक मंगल ग्रह तक पहुंचने में कामयाब रहे और अपने फ्लाईबाई के दौरान इन मिशनों ने मंगल ग्रह की कई सारी तस्वीरें और डेटा वापस पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों तक भेजी। पर ये दोनों ही मिशन मंगल ग्रह के उन क्षेत्रों के ऊपर से उड़े जहां विशालकाय क्रेटर्स मौजूद हैं। ऐसे में शुरुआत में वैज्ञानिकों का मानना था कि मंगल ग्रह भी काफी हद तक मून की तरह ही क्रेटर्स से भरपूर हो सकता है। 1969 से लेकर 1971 के बीच नासा और USSR द्वारा मंगल ग्रह पर कई और मिशन भेजने की कोशिशें की गई, जिसमें से अधिकांश मिशन अपने टारगेट यानी मंगल ग्रह तक पहुंचने में नाकाम रहे। ये मिशन कुछ इस प्रकार है। मार्च 1969 को USSR द्वारा लॉन्च किया गया मार्स 1969A मिशन लॉन्च होने के बाद पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गया। वहीं अप्रैल 1969 को लॉन्च किया गया USSR का ही मार्स 1969B मिशन लॉन्च के समय ही नष्ट हो गया। वहीं मई 1971 में नासा द्वारा लॉन्च किया जा रहा मैरिनर 8 मिशन भी लॉन्च के समय तबाह हो गया। मई 1971 में USSR ने एक बार फिर अपने कॉस्मोस 419 मिशन के जरिए मंगल ग्रह तक पहुंचने की कोशिश की, पर यह मिशन धरती के ऑर्बिट को पार करने के बाद एक मैल फंक्शन का शिकार हो गया। पर USSR इन विफलताओं से घबराया नहीं और आखिरकार 1971 के अंत में वह मंगल ग्रह तक पहुंचने में कामयाब रहा। मई 1971 में USSR ने मार्स 2 और मार्स 3 नाम के 2 ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मिशनों को लॉन्च किया। 19 मई को लॉन्च किया गया मार्स 2 मिशन नवंबर में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ, पर इसका मार्स 2 लैंडर और रोवर मंगल ग्रह के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। वहीं 28 मई को लॉन्च किया गया मार्स 3 मिशन दिसंबर में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जिसके बाद इसके मार्स 3 लैंडर और रोवर ने मंगल ग्रह पर अपने लैंडिंग की शुरुआत की। मार्स 3 लैंडर
सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के सरफेस पर लैंड हुआ, जिसके साथ ही वह किसी दूसरे ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन बन गया। पर मंगल ग्रह के सरफेस पर लैंड करने के कुछ सेकंड्स के बाद ही इसका संपर्क धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों से टूट गया। पर इसका ऑर्बिटर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में सुरक्षित था, जो कि सही तरीके से काम कर रहा था और जरूरी जानकारियां व तस्वीरें धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को भेज रहा था। 1970 के दशक में नासा ने अपने मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में तेजी लाते हुए मंगल ग्रह पर कई मिशन लॉन्च किए। मई 1971 में लॉन्च किया गया मैरिनर 9 मिशन नवंबर 1971 में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। जब मैरिनर 9 मिशन मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचा, तब वहां भयानक डस्ट स्टॉर्म आया हुआ था, जिस दौरान इस मिशन ने डस्ट स्टॉर्म के ऊपर मौजूद कुछ अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स की खोज की। जब मंगल ग्रह पर यह डस्ट स्टॉर्म खत्म हुआ, तब पता चला कि ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स दरअसल मंगल ग्रह पर मौजूद विशालकाय एंशियंट वोल्केनोस थे, जिनके टॉप्स डस्ट स्टॉर्म्स के ऊपर झांक रहे थे। साथ ही मैरिनर 9 मिशन ने मंगल ग्रह के सरफेस में एक विशालकाय दरार या खाई की खोज की, जो कि हजारों किलोमीटर विशालकाय था। बाद में इस कैनियन सिस्टम को इसकी खोज करने वाले मैरिनर मिशन के नाम पर वैलेस मैरिनेरिस नाम दिया गया, जो कि हमारे सौरमंडल में खोजा गया सबसे विशालकाय कैनियन सिस्टम है। मैरिनर 9 मिशन लगभग एक साल तक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में रहा, जिस दौरान इसने मंगल ग्रह की करीब 7,300 तस्वीरें धरती पर मौजूद नासा के वैज्ञानिकों तक भेजी। 1971 में मिली सफलता के बाद USSR ने अपने मार्स सीरीज के 4 अलग अलग मिशनों को 1973 में लॉन्च किया। इन मिशनों के जरिए USSR को पार्शियल सफलता हाथ लगी, जिसमें से ज्यादातर मिशन केवल कुछ दिनों तक ही ऑपरेट कर पाए। मंगल ग्रह पर भेजे गए उसके 4 मिशनों में से केवल एक ऑर्बिटर और एक लैंडर ने ही डेटा वापस धरती तक भेजने में सफलता हासिल की। 21 जुलाई 1973 में लॉन्च किया गया मार्स 4 मिशन फरवरी 1974 में मंगल ग्रह के करीब पहुंचा, पर यह मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने में नाकाम रहा। वहीं 25 जुलाई को लॉन्च किया गया मार्स 5 मिशन फरवरी 1974 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, पर यह मिशन केवल कुछ दिनों तक ही काम कर पाया, जिसके बाद इसका धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों से संपर्क टूट गया। इसके बाद अगस्त 1973 में USSR ने मार्स 6 नाम के एक ऑर्बिटर लैंडर मिशन को मंगल ग्रह की ओर रवाना किया, जो कि मार्च 1974 में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, पर इसका लैंडर मंगल ग्रह के सरफेस पर सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया और तबाह हो गया। वहीं इसके कुछ दिनों के बाद USSR ने मार्स 7 मिशन लॉन्च किया, जो कि मार्स 6 मिशन की तरह ही एक ऑर्बिटर लैंडर मिशन था। ये मिशन मार्च 1974 में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल तो हुआ, पर इसका लैंडर मिशन भी मंगल ग्रह के सरफेस में लैंड कर पाने में नाकाम रहा। USSR की तरह अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी इस दौरान अपने ऑर्बिटर लैंडर मिशन पर काम करना शुरू कर दिया था। 1975 में नासा ने वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 नाम के 2 ऑर्बिटर और लैंडर मिशनों को धरती से रवाना किया, जो कि 1976 में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुए। दोनों ही मिशनों के ऑर्बिटर्स ने मंगल ग्रह के ऑर्बिट का चक्कर लगाना शुरू किया, वहीं इसके लैंडर्स ने मंगल ग्रह के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की। वाइकिंग मिशनों को मंगल ग्रह पर भेजे गए अब तक के कुछ सबसे सफल मिशनों में से एक माना जाता है, जो कि अपने एक्सपेक्टेड मिशन लाइफ से कहीं ज्यादा सालों तक मंगल ग्रह का अध्ययन कर जरूरी जानकारियां धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों तक भेजते रहे। वाइकिंग मिशनों ने मंगल ग्रह के सरफेस का अध्ययन कर उसमें माइक्रोबियल लाइफ खोजने की कोशिश की, जिसमें उन्हें विफलता हाथ लगी, जिससे ये तो साबित हो गया कि वर्तमान समय में मंगल ग्रह के सरफेस में किसी प्रकार का जीवन मौजूद नहीं है। इसके साथ ही वाइकिंग मिशनों ने मंगल ग्रह की मिट्टी के अध्ययन के दौरान ये पाया कि इसका कॉम्पोजिशन हमारे धरती पर मौजूद कुछ मीटियोराइट से बेहद ही ज्यादा मिलता जुलता है। इससे वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हमारे धरती पर पाए गए कुछ मीटियोराइट्स की उत्पत्ति असल में मंगल ग्रह पर आज से बिलियन सालों पहले हुई थी। 1980 के दशक के दौरान सोवियत यूनियन ने मंगल ग्रह के मून फोबोस पर 2 मिशन भेजे, पर दोनों ही मिशन पूरी तरह नाकाम रहे।
फोबोस 1 मिशन का मंगल ग्रह पर पहुंचने से पहले ही वैज्ञानिकों से संपर्क टूट गया। वहीं फोबोस 2 मिशन मंगल ग्रह के ऑर्बिट में तो पहुंचा, पर फोबोस मून पर लैंडर को डिप्लॉय करने से पहले ही इसका भी संपर्क धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों से टूट गया। पर इसके बाद 1991 में सोवियत संघ टूट गया और रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस ने इसकी जगह ले ली। सितंबर 1992 में नासा ने मार्स ऑर्बिटर नाम के अपने महत्वाकांक्षी ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन को अगस्त 1993 में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होना था, पर अपने टारगेट में पहुंचने से पहले ही इस मिशन का संपर्क धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों से टूट गया। पर इस मिशन के साथ ये कम्युनिकेशन फेलियर कैसे हुआ, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक गुत्थी ही है। पर कुछ का मानना है कि स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल टैंक में हुए लीक की वजह से ऐसा हुआ था। ये मिशन फेलियर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लिए एक काफ़ी बड़ा सेटबैक था, जिसकी असल वजह थी इस मिशन का काफ़ी एक्सपेंसिव होना। इस मिशन को बनाने के लिए नासा ने $813 मिलियन खर्च किए थे, जो कि इस प्रोजेक्ट के ओरिजिनल बजट से करीब 4 गुना ज़्यादा था। इस मिशन की असफलता के बाद नासा ने अपने नए प्रोजेक्ट्स में एडवांस्ड कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यू टीम मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाने का फैसला किया। नासा ने इस मूवमेंट को फास्टर बेटर एंड चीपर प्रोग्राम नाम दिया। इसके कुछ सालों बाद नासा ने नवंबर 1996 में मार्स ग्लोबल सर्वेयर नाम के अपने ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया, जो कि सितंबर 1997 में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। नासा का ये मिशन काफ़ी सफल रहा, जिसके एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन को कई बार बढ़ाया गया, पर आखिरकार इस मिशन का 2006 में अंत हो गया, जब इसका संपर्क हमारे धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों से टूट गया। मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने पहली बार मंगल ग्रह के सरफेस को पूरी तरह मैप करने का काम किया, जिस दौरान इसे मंगल ग्रह पर एंशियंट रिवर और वाटर बॉडीज के साइन मिले। साथ ही इस मिशन द्वारा जुटाए गए डेटा ने वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर अपने फ्यूचर रोवर मिशंस के लिए सही लैंडिंग साइट चुनने में काफ़ी मदद की। वहीं सोवियत यूनियन के ढह जाने के बाद रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस ने अपने मार्स एक्सप्लोरेशन को चालू रखा। उसने नवंबर 1996 में मार्स 96 मिशन लॉन्च किया, जिसमें एक ऑर्बिटर, 2 लैंडर और 2 पेनिट्रेटर मौजूद थे। पर यह मिशन रॉकेट फेलियर की वजह से धरती के ऑर्बिट तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गया। वहीं दूसरी ओर नासा अपने मार्स मिशन में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने दिसंबर 1996 में पाथफाइंडर लैंडर और अब तक के पहले मार्स रोवर सोजर्नर को धरती से लॉन्च किया। ये मिशन जुलाई 1997 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जिसके बाद इसने मंगल ग्रह के सरफेस पर अपने सॉफ्ट लैंडिंग की शुरुआत की। दोनों ही मिशन मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे, जिसके बाद इन्होंने मंगल ग्रह और इसके सरफेस का अध्ययन करना शुरू किया। दोनों ही लैंडर और रोवर मिशनों को केवल कुछ हफ्तों और महीनों तक ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, पर यह मिशन वैज्ञानिकों की उम्मीद से परे सितंबर 1997 तक काम करते रहे, जिसके बाद इनका संपर्क हमारे धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों से टूट गया। रशियन स्पेस एजेंसी और अमेरिकी स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह पर अपने मिशन भेजने वाले केवल 2 देश थे, पर जुलाई 1998 में ये सब कुछ बदल गया, जब जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा ने अपने मार्स एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करते हुए अपने पहले ऑर्बिटर मिशन नोजोमी को लॉन्च किया। ये मिशन दिसंबर 2003 में मंगल ग्रह के करीब तो पहुंचा, पर इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से इसके ऑर्बिट में दाखिल होने में नाकाम रहा। इस दौरान अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को भी फेलियर का सामना करना पड़ा, जब दिसंबर 1998 में लॉन्च किया गया इसका मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर जनवरी 1999 में मंगल ग्रह के एटमोसफेयर में जलकर नष्ट हो गया। इस मिशन फेलियर के साथ एक रोचक किस्सा भी जुड़ा हुआ है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार ये फेलियर स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सिस्टम के इंग्लिश यूनिट्स को मैट्रिक में कन्वर्ट नहीं कर पाने की वजह से हुआ था, यानी कुछ कैलकुलेशंस की वजह से नासा को $1 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं जनवरी 1999 में लॉन्च किया गया नासा का मार्स पोलर लैंडर मिशन मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के दौरान क्रैश हो गया। अपने मार्स एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ते हुए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मार्च 2011 में
मार्स ओडेसी नाम के ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया। ये मिशन अक्टूबर 2001 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जिसके बाद इसने अपने साइंस मिशन की शुरुआत की। केवल कुछ सालों के एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन के साथ लॉन्च किए गए इस मिशन को आज मंगल ग्रह के ऑर्बिट में करीब 21 सालों का समय बीत चुका है। इसके बावजूद भी ये मिशन आज भी सही तरीके से काम कर रहा है और समय समय पर जरूरी जानकारियां धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों तक भेजता रहता है। अपने साइंटिफिक मिशन के दौरान मार्स ओडेसी ऑर्बिटर मंगल ग्रह की 10 लाख से भी ज्यादा तस्वीरें धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को भेज चुका है। साथ ही इसने मंगल ग्रह पर मौजूद कई सारे एलिमेंट्स के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैप करने का काम किया है। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर्स की सफलता में भी इस मिशन का बड़ा हाथ रहा, जिसने इन रोवर्स द्वारा एकत्र किए गए 95% डेटा को धरती तक भेजने का काम किया। वहीं इस दौरान यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी अपने मार्स एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करते हुए जून 2003 में मार्स एक्सप्रेस नाम के लैंडर ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया। ये मिशन दिसंबर 2003 में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इसके ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह का चक्कर लगाना शुरू किया, पर इसका लैंडर मिशन मंगल ग्रह के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और नष्ट हो गया। मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर का प्राइमरी मिशन नवंबर 2005 में पूरा हो चुका था, जिसके बाद इसके साइंटिफिक मिशन को कई बार आगे बढ़ाया गया। आज इस मिशन को मंगल ग्रह पर 18 सालों से ज्यादा का समय बीत चुका है, पर इसके बावजूद भी ये आज भी सही तरीके से काम कर रहा है और समय समय पर मंगल ग्रह के जियोलॉजी की तस्वीरें धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को भेजता रहता है। दूसरी ओर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने दो रोवर मिशनों के जरिए मार्स एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। नासा ने मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन के अंतर्गत स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के दो रोवर मिशनों को 2003 में धरती से लॉन्च किया। दोनों ही मिशन 2004 में मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हुए इसके सरफेस में सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहे। स्पिरिट रोवर का मुख्य मकसद मंगल ग्रह पर एंशियंट लाइफ से जुड़े हुए सबूतों की खोज करना, उसके करंट और पास्ट क्लाइमेट का अध्ययन करना और साथ ही उसके जियोलॉजी के बारे में जानकारियां जुटाना था। जनवरी 2004 में मंगल ग्रह के सरफेस पर लैंड करने के बाद इसका एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन केवल 90 मार्शियन डेज का था, पर ये रोवर वैज्ञानिकों की उम्मीद से परे 2200 मार्शियन डेज यानी करीब 2266 अर्थ डेज तक काम करता रहा। पर मार्च 2010 में ये रोवर मंगल ग्रह के सरफेस पर मौजूद एक सैंड ट्रैप में फंस गया, जिसके बाद इसका संपर्क धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों से टूट गया। वहीं इसके जुड़वा अपॉर्चुनिटी रोवर ने भी जनवरी 2004 में मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। स्पिरिट रोवर की तरह ही इसका एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन भी 90 दिनों का था, पर यह मिशन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए जून 2018 तक काम करता रहा। 2004 में लैंडिंग के बाद अपॉर्चुनिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर 45 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया, जिस दौरान उसने मंगल ग्रह पर एंशियंट वाटर बॉडीज और पानी में पाए जाने वाले रॉक्स की खोज की। पर 2018 में मंगल ग्रह पर एक भयानक डस्ट स्टॉर्म आया, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी रोवर के सोलर पैनल्स में धूल जम गई और ये ऑपरेट करने के लिए जरूरी एनर्जी बनाने में नाकाम रहा। वैज्ञानिकों ने इसके सोलर पैनल्स से धूल हटाने की कई कोशिशें की, पर वो नाकाम रहे और आखिरकार फरवरी 2019 में इसे डेड घोषित कर दिया गया। अपने ऑर्बिटर मिशनों की ओर वापस लौटते हुए नासा ने अगस्त 2005 में मार्स रिकॉग्नाइजेंस ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया। ये ऑर्बिटर मिशन मार्च 2006 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। मार्स रिकॉग्नाइजेंस ऑर्बिटर नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया अब तक का सबसे सफल ऑर्बिटर मिशन साबित हुआ। ये मिशन नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए अब तक के पिछले सभी ऑर्बिटर मिशन से ज्यादा डेटा और तस्वीरें धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को भेज चुका है। यह ऑर्बिटर मिशन आज भी सही तरीके से काम कर रहा है, जो कि मंगल ग्रह के सरफेस फीचर्स और वेदर से जुड़े हाई रिजोल्यूशन डेटा वैज्ञानिकों तक भेजता रहता है। इसके बाद नासा ने अगस्त 2007 में मार्स फीनिक्स नाम के एक स्टेशनरी लैंडर को मंगल ग्रह की ओर रवाना किया, जिसने मई 2008 में
इसके सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की। मार्स फिनिक्स लैंडर मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे मौजूद वाटर आइस की खोज करने वाला पहला मिशन बना, जो कि एक बेहद ही बड़ी खोज थी। पर केवल कुछ महीनों तक ऑपरेट करने के बाद ही खतरनाक मार्शियन विंटर के चलते इसका सोलर पैनल डैमेज हो गया और आखिरकार नवंबर 2008 में $475 मिलियन की लागत से बने हुए इस लैंडर का संपर्क धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों से टूट गया और इस मिशन का अंत हो गया। वहीं रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने मंगल ग्रह के मून फोबोस तक पहुंचने की अपनी कोशिशें जारी रखीं। उसने 2011 में फोबोस ग्रंट मिशन को लॉन्च किया, जिसमें चीनी स्पेस एजेंसी का एक मार्स ऑर्बिटर मिशन भी शामिल था। पर यह मिशन कुछ तकनीकी खामियों के चलते हमारे धरती के ऑर्बिट से मंगल ग्रह की ओर अपना सफर शुरू कर पाने में नाकाम रहा और जनवरी 2012 में वापस हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में जलकर नष्ट हो गया। वहीं इन सब के बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा क्यूरियोसिटी नाम के अपने अगले पीढ़ी के मार्स रोवर मिशन पर काम कर रहा था। ये संभवतः उस समय मंगल ग्रह पर भेजा जाने वाला नासा का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन था। क्यूरियोसिटी एक SUV के आकार का मार्स मिशन था, जिसमें अब तक के सबसे आधुनिक साइंस इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे। आप इसे मंगल ग्रह पर चलती फिरती एक लैब भी कह सकते हैं, जिसका मकसद मंगल ग्रह पर एंशियंट लाइफ का पता लगाना और उसके क्लाइमेट, जियोलॉजी और एटमॉस्फेयर का करीबी से अध्ययन करना था। साथ ही नासा के पुराने मार्स रोवर से विपरीत इस भारी भरकम रोवर को पावर देने के लिए सोलर पैनल्स की जगह पहली बार न्यूक्लियर पावर का उपयोग किया जाने वाला था। इस मिशन को नवंबर 2011 में धरती से लॉन्च किया गया, जो कि अगस्त 2012 में मंगल ग्रह के गेल क्रेटर नामक जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा। 30 जनवरी 2021 तक क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह की सतह पर करीब 25 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है। इस दौरान इसने मंगल ग्रह के पास्ट और उसके मौजूदा हालातों के बारे में कई महत्वपूर्ण खोजें की, जिसमें मंगल ग्रह पर एंशियंट वाटर बॉडीज का पता लगाना, उसके सरफेस पर मीथेन की खोज करना और उसके क्रस्ट में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता लगाना प्रमुख है। इस रोवर द्वारा किए गए खोजों से हमें पता चला कि मंगल ग्रह आज से कई बिलियन सालों पहले एक हैबिटेबल प्लैनेट था, जहां लिक्विड वाटर के झील और नदियां मौजूद थीं। क्यूरियोसिटी रोवर को आज मंगल ग्रह पर 10 सालों से ज्यादा का समय हो चुका है, पर यह रोवर आज भी सही तरीके से काम कर रहा है और समय समय पर मंगल ग्रह पर अपनी खोजों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंकाता रहता है। वहीं इस दौरान हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो भी अपने खुद के मंगल मिशन पर काम कर रही थी। भारत ने 5 नवंबर 2013 को दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को चौंकाते हुए मंगलयान नाम के अपने पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन को धरती से लॉन्च किया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के लिए ये एक बेहद ही कठिन मिशन था, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश अपने पहले अटेम्प्ट में मंगल ग्रह तक नहीं पहुंच पाया था। पर 24 सितंबर 2014 को भारत ने इतिहास रच दिया, जब मार्स ऑर्बिटर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। मंगलयान में एक कलर कैमरा और 4 अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे, जिन्हें विशेष रूप से मंगल ग्रह के सरफेस और उसके एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। मंगलयान मिशन का शुरुआती लाइफ स्पैन केवल 6 महीनों का था, पर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों की सूझबूझ के चलते ये मिशन पिछले 8 सालों से मंगल ग्रह के ऑर्बिट में सही तरीके से काम कर रहा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये मिशन और अगले 2 से 3 सालों तक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में बना रह सकता है। नवंबर 2013 में नासा ने मेवेन यानी मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन नाम के मार्स ऑर्बिटर को लॉन्च किया। ये ऑर्बिटर मिशन करीब 10 महीनों की लंबी यात्रा के बाद सितंबर 2021 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इस ऑर्बिटर मिशन का मुख्य मकसद मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर का करीबी से अध्ययन करना था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कैसे मंगल ग्रह का डेंस एटमॉस्फेयर बिलियन सालों के दौरान इतना थिन हो गया और क्या ये प्रोसेस आज भी जारी है या नहीं। इस मिशन का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन करीब 2 सालों का था, पर यह मिशन आज भी मंगल ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है और सही तरीके से काम कर रहा है।
इस बीच यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए और रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस मिलकर एक्सोमार्स प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। एक्सोमार्स मुख्य रूप से एक मल्टी फेज मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है, जिसका मकसद मंगल ग्रह के सरफेस और एटमॉस्फेयर का अध्ययन कर वहां मौजूद जीवन का पता लगाना और मार्स सैंपल्स को धरती पर लाना है। इसके फर्स्ट फेज के अंतर्गत ट्रेस गैस ऑर्बिटर और स्केफरली नाम के लैंडर को मार्च 2016 में धरती से लॉन्च किया गया। करीब 7 महीनों की लंबी यात्रा के बाद ये मिशन अक्टूबर 2016 में मंगल ग्रह के करीब पहुंचा। मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद स्केफरली लैंडर ने इसके सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की, पर इस दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भले ही इस मिशन का लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, पर इसका ट्रेस गैस ऑर्बिटर पूरी तरह सफल रहा, जो कि आज भी मंगल ग्रह के ऑर्बिट में बना हुआ है और सही तरीके से काम कर रहा है। अब तक मंगल ग्रह पर भेजे गए ज्यादातर मिशनों ने इसके सरफेस एटमॉस्फेयर और वेदर का अध्ययन किया है। इन मिशनों द्वारा जुटाए गए जानकारियों ने वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह को समझने में काफी मदद की है, पर एक चीज थी जिसका अध्ययन वैज्ञानिक आज तक नहीं कर पाए थे, जो कि था मंगल ग्रह का इंटीरियर। अगर हमें मंगल ग्रह पर भविष्य में ह्यूमन कॉलोनीज बसानी है तो हमें इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारियां होनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि मंगल ग्रह पर टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे काम करते हैं, उसका इंटरनल कोर कैसा है, वो कितना गर्म है और वहाँ किस तरह के भूकंप आते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नासा ने मार्स इनसाइट नाम के लैंडर मिशन पर काम करना शुरू किया, जो कि मंगल ग्रह के इंटीरियर स्ट्रक्चर का अध्ययन करने में सक्षम था। इस मिशन को मई 2018 में लॉन्च किया गया, जो कि करीब 6 महीनों की यात्रा के बाद नवंबर 2018 में मंगल ग्रह के सरफेस पर सफलतापूर्वक लैंड करने में कामयाब रहा। केवल 2 सालों के एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन के साथ भेजे गए इस मिशन को आज मंगल ग्रह पर 3 सालों से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस दौरान इसने मंगल ग्रह के सरफेस पर ड्रिल कर उसके इंटरनल हीट और कोर का अध्ययन किया। अपने खास इंस्ट्रूमेंट की मदद से मंगल ग्रह पर आने वाले भूकंपों का पता लगाया और साथ ही इसके टेक्टोनिक प्लेट्स का अध्ययन कर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की। ये मिशन आज भी मंगल ग्रह पर मौजूद है और सही तरीके से काम कर रहा है, जिसके चलते नासा ने इस मिशन को दिसंबर 2022 तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। क्यूरियोसिटी रोवर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया अब तक का सबसे एडवांस और महत्वाकांक्षी मिशन था, जिसने मंगल ग्रह पर एंशियंट लाइफ से जुड़ी अपनी खोजों से इस ग्रह को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर धीरे धीरे ये रोवर भी बूढ़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी और पावर जनरेशन भी समय के साथ कम होते जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नासा ने अपने मार्स एक्सप्लोरेशन के अगले चरण के अंतर्गत एक नए और आधुनिक रोवर मिशन पर काम करना शुरू किया। नासा ने मार्स 2020 मिशन के अंतर्गत परसीवरेंस रोवर को डेवलप किया, जो कि डिजाइन में पुराने क्यूरियोसिटी रोवर से काफी मिलता जुलता था। पर मार्स 2020 मिशन के अंतर्गत नासा एक ड्रोन हेलीकॉप्टर पर भी काम कर रहा था, जो कि अब तक किसी दूसरे ग्रह पर भेजा जाने वाला पहला एरियल मिशन होने जा रहा था। इस मिशन को 30 जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद ये मिशन करीब 7 महीनों की लंबी यात्रा के बाद 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा। परसीवरेंस रोवर का मुख्य मकसद मंगल ग्रह पर एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ का अध्ययन कर जरूरी जानकारियां धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों तक भेजना होगा। इस दौरान ये मिशन मंगल ग्रह पर कई सारे एडवांस टेस्ट भी करेगा, जो भविष्य में ह्यूमन मार्स मिशन को प्लान करने में वैज्ञानिकों की मदद करेंगे। इसके साथ ही ये मिशन ईएसए और नासा के मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के लिए मंगल ग्रह के मिट्टी के सैंपल्स को इकट्ठा करेगा, ताकि भविष्य में प्रस्तावित मिशनों के जरिए इन सैंपल्स को धरती पर लाकर इनका अध्ययन किया जा सके। वहीं इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन मिशन था, जिसके अंतर्गत नासा मंगल ग्रह पर अपने एरियल टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करना चाहता था। ये किसी दूसरे ग्रह पर भेजा गया अब तक का पहला एरियल मिशन था, जिसके जरिए वैज्ञानिक पहली बार किसी दूसरी दुनिया में एक कंट्रोल्ड फ्लाइट को अंजाम देने जा रहे थे।
शुरू में वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इस मार्शियन हेलीकॉप्टर का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन करीब एक महीने का होगा, जिस दौरान ये 5 टेस्ट फ्लाइट्स को अंजाम देगा। पर वर्तमान समय में ये रोबोटिक हेलीकॉप्टर मार्च 2022 अंत तक मंगल ग्रह पर करीब 23 फ्लाइट्स को अंजाम दे चुका है। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर द्वारा जुटाई गई जानकारियों की मदद से वैज्ञानिक परसीवरेंस रोवर द्वारा रिसर्च करने के लिए नए जगहों की खोज और वहां तक पहुंचने के लिए सबसे सेफ रूट का पता लगा सकते हैं। 2020 के लॉन्च विंडो को देखते हुए कई और देशों ने मंगल ग्रह पर मिशन भेजकर अपने मार्स एक्सप्लोरेशन की शुरुआत की। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने मार्स एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करते हुए जुलाई 2020 में होप मार्स मिशन को लॉन्च किया, जो कि एक ऑर्बिटर मिशन था। एक लंबी यात्रा के बाद ये मिशन फरवरी 2021 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इस ऑर्बिटर में 3 मुख्य साइंस इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, जिनका मकसद मंगल ग्रह के क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर का करीबी से अध्ययन करना है। इस मिशन का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन 2 सालों का है, पर वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये मार्स ऑर्बिटर 2025 तक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में उसका अध्ययन कर सकता है। इस बीच चाइनीज स्पेस एजेंसी ने मार्स एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ते हुए जुलाई 2020 में तियानवेन 1 नाम के अपने मार्स मिशन को लॉन्च किया। तियानवेन 1 चीन का अब तक का पहला इंडिपेंडेंट इंटरप्लेनेटरी मिशन था, जिसमें एक मार्स ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मौजूद था। इन मिशनों का मुख्य मकसद मंगल ग्रह के सरफेस जियोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, मार्शियन वाटर और उसके एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना है। करीब 470 मिलियन किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद ये मिशन फरवरी 2021 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जिसके करीब 3 महीनों के बाद मई 2021 में इस मिशन के लैंडर और रोवर ने मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसके साथ ही चीन रूस और अमेरिका के बाद मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 3रा देश बन गया। और वर्तमान समय में ये नासा के बाद मंगल ग्रह पर एक एक्टिव रोवर को ऑपरेट करने वाला 2रा देश है। वर्तमान समय में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस एक्सो मार्स मिशन के सेकंड फेज के अंतर्गत रोजालिंड फ्रैंकलिन नाम के मार्स रोवर और कैजाचौक नाम के मार्स लैंडर पर काम कर रहे हैं। इस मिशन को शुरुआत में 2020 में लॉन्च किए जाने की योजना थी, पर टेक्निकल इशू के चलते इसमें करीब 2 सालों की देरी हो चुकी है और मौजूदा हालातों को देखते हुए इस मिशन में और ज़्यादा देरी होने की संभावना है। जापानी स्पेस एजेंसी जैक्सा भी अपने मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन मिशन के जरिए मंगल ग्रह पर लौटने की योजना बना रही है। यह मुख्य रूप से एक मार्स मून सैंपल रिटर्न मिशन होगा, जिसके अंतर्गत जापानी स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह के मून फोबोस और डीमोस के सरफेस से सैंपल्स को इकट्ठा कर उसे धरती पर लाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो इस मिशन को 2024 में लॉन्च किया जा सकता है, जिसके बाद ये मिशन 2025 में इन मार्शियन मून्स के करीब पहुंचकर उनके सैंपल्स को इकट्ठा करने का काम करेगा। मंगलयान मिशन की सफलता के बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो भी इसके सक्सेसर मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 पर काम कर रही है। शुरू में माना जा रहा था कि मंगलयान 2 मिशन में एक ऑर्बिटर के साथ ही एक रोवर या लैंडर मिशन में मौजूद हो सकता है, पर 2021 में इसरो के वैज्ञानिकों ने यह साफ कर दिया कि मंगलयान 2 मिशन पहले मंगलयान मिशन की तरह ही एक ऑर्बिटर मिशन होने जा रहा है, जिसे 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। नासा भी एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर मिशन पर काम कर रहा है, जिसे 2024 अंत तक लॉन्च किए जाने की योजना है। ये मुख्य रूप से एक डुअल स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटर मिशन होगा, जो कि मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में मौजूद आयोन्स और प्लाज्मा का अध्ययन करने में सक्षम होगा। हमने इस वीडियो में अब तक मंगल ग्रह पर भेजे गए सभी तरह के मिशनों के बारे में चर्चा कर ली है। अगर आपको इनमें से किसी स्पेसिफिक मिशन के बारे में अलग से वीडियो चाहिए तो हमें उस मिशन का नाम नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।